बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस इकबाल और शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। तो आज है जी जुमा और सबसे पहले जुमा मुबारक। और मस्जिदुल हराम के बाहर ही जुमा पड़ा, कबूतर चौक पे ही, कबूतर चौक में जुमा पड़ा। और अभी आप लोगों को दिखाता हूं जुमे के कुछ मनाजिर। तो आज मेरा प्रोग्राम है कि अलबैक ट्राई किया जाए, तो अभी उसी को ढूंढते हुए ना मैप लगाया हुआ है। इसी साइड पे सीधे ही मस्जिदुल हराम है और आवाम आ रही है और मैं जा रहा हूँ इसी साइड पे। आगे एक मॉल है, उसी के अंदर ये मनाजिर सारे। ये जी यहाँ से मस्जिद की ये दूरी भी स्टार्ट है। ये साइड पे लेडीज़ वॉशरूम है, सामने जेंट्स, और सामने मेन कॉरिडोर जो है मस्जिद का। ये सुभान अल्लाह। तो अभी जी इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा जहन की सिम में, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। तो लोकेशन तो नहीं मिली। खैर, एक भाई से पूछा तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी है, अभी देखते हैं इस तरफ। ये मॉल, ये सामने मस्जिदुल हराम। मैं यहाँ से आया हूँ, तो भाई ने बोला राइट साइड पे। एक और भाई ने बताया इधर है सीधा सीधा, तो इजिप्शियन था तो उसने बोला सीधा। लेट्स सी। ये मॉल के अंदर आ गया मैं। अभी कोई नज़र तो नहीं आ रहा किसी ने बैग वगैरह उठाया हो, मैं देखते अलबैग का शॉपिंग बैग किसी ने उठाया हो तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि यार इस साइड से आ रहा है। और नज़र तो नहीं आ रहा कोई। अभी ढूंढ रहा हूँ, खैर कहीं ना कहीं तो निकल आएंगे, कोई मसला ही नहीं है। अभी वीडियो भी यहीं पर रोकता हूँ और कोई आइडिया हो तो फिर स्टार्ट करूँगा वहीं से, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगी। मॉल फिर किसी दिन घुमाऊँगा। अभी जी एक इंडियन पूछा रास्ता, तो उन्होंने बोला फोर्थ फ्लोर, तो अभी लिफ्ट से जाते हैं फोर्थ फ्लोर साइड पे। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर,
ये आ गया सेकंड फ्लोर। अभी तकरीबन थर्ड फ्लोर आई थिंक। हाँ जी, एक और लिफ्ट ढूंढेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। फूड कोर्ट तो आई थिंक इसी साइड पे है और अल बैक भी यहीं से वो सामने नज़र आ गया जी। सही, अभी वो रेड एंड येलो कलर में बाकी फास्ट फूड भी साइड पे हार्डीज हो गया और KFC हो गया। सामने अलबैक है और बाकी साइड पे KFC हार्डीज। ये जी अभी कुछ बेहतर नजर आ रहा होगा अलबैक। अभी कुछ लाइन वगैरह ढूंढते हैं, अभी टाइम लगेगा यहाँ पर। आज जुम्मा भी है, रश भी काफ़ी होगा। खैर फिर आगे वीडियो स्टार्ट करूँगा, कहीं से रास्ता वगैरह मिल गया तो प्लेस पे। ये जी लग गया आपका भाई लाइन में। ये इतना रश है अभी। ये लाइनें चलती भी काफ़ी तेज़ हैं, ये नहीं कि लाइनें लगी रहती हैं। दे मूव क्वाइट फास्ट। सी अभी थोड़ी बहुत लाइन चली है इस तरफ और इस वाले फ्लोर पे ना सारी फूड कोर्ट ही आई थी। अभी लाइन से थोड़ा आगे अभी अंदर आ गया हूँ। तो अभी जी ऑर्डर हो गया, ये चेक करो। काउंटर पे 15 मिनट वेट की है। तो अभी जी अपना ऑर्डर ले लिया, तकरीबन 35 से 40 मिनट लग गए और अभी ये रहा ऑर्डर हमारा ये। अच्छा, मेरा एक मानना है कि लाजमी नहीं है कि जो चीज़ हर किसी को अच्छी लगे वो आपको भी पसंद आए। खैर इसका रिव्यू दूंगा आपको कैसी रही। अभी आ गया हूँ मैं थर्ड फ्लोर। ये है कि बोलना जो क्योंकि फिर टाइम गया होगा। How much? 10 real, 15 real. ये वो जो अभी पूछे ना 15 रियाल, ये इसके 7 चेयर्स के। अभी थर्ड फ्लोर
ये आगे जी बाहरी अभी निकलेंगे सेकंड फ्लोर के लिए, मैं स्लिप होने लगा था। खैर अभी बाकी जो है ब्लॉग आपको ये चेक कराऊंगा, ब्लॉग को स्टॉप करूँ यहीं पर क्योंकि तो निकलता हूँ जल्दी से क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया है। भैया जी अभी निकल आया हूँ और रास्ता नहीं भूला मैं, बिल्कुल मस्जिदुल हराम के सामने से निकला हूँ। ये चेक करेंगे इस तरफ मस्जिदुल हराम और ये थे टावर फौक अल हलील टावर, इसके अंदर ही है। ये आ गया जी हमारा अलबैक, ये अलबैक का फेमस बन, साथ में इसमें देखते हैं क्या है। ये जी चिकन थाइस और फ्राइज, साथ में ये इसके फेमस सॉस और वो केचप वगैरह, और इसमें नगेट्स। ये जी अभी खाते और मज़े करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अलबैक बेहतरीन था और जितनी एफर्ट की थी उसके काबिल था। वैसे वीडियो को ये पर एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।